टेनाइटिस हो और एक पीवी लीकिंग फॉर मोर देन 18 आवर्स, ठीक है। इन तीन ये कॉन्ट्राइंडिकेशन, इसमें आपने आईयूसीडी नहीं रखनी, ठीक है। सबसे पहले आपने वैसे ही बोलना है कि एक यूट्राइन एनोमलीज भी है कि अगर आपको पता है कि यूट्राइन एनोमली है तो उसमें भी आपने नहीं रखनी, ठीक है। आफ्टर केयरफुल सिलेक्शन, उसमें ये होता है कि जो पीपी आईयूसीडी होते हैं ना उसमें आप एंटीनेटली जो है ना वो पेशेंट को काउंसिल किया होता है फॉर आईयूसीडी, ठीक है। लेकिन आपने इंसर्शन से पहले जो है ना वो पेशेंट को बताना होता है कि अब जो है ना आपकी डिलीवरी हो गई है तो अब हम आपको आईयूसीडी रखने लगे, ठीक है। उसमें कि आफ्टर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट रूलिंग आउट ऑल द कॉन्ट्राइंडिकेशन आई विल टेक इन फॉर्म कंसेंट, ठीक है। पेशेंट ऑलरेडी आपके लिए तो ऑर्डिनेंट पोजीशन में लेटा होगा, ठीक है। डिलीवरी हुई है ना, पोस्टमार्टम आप रख रहे हो, ठीक है। आपने जो है ना आपने पेशेंट को बता दिया, आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन जो है वो रूल आउट कर ली कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है आईसीडी रखने की। आईसीडी जो हम रखते हैं ना वो हम रखते हैं केलीज फोर्सेप्स से, ठीक है। देखा हुआ है केलीज, वो ना स्पंज होल्डर की तरह होता है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा होता है। आज हम लोग शाम में ना आगे से टूथ की तरह तो नहीं होता, नहीं नहीं वो तो अलग होता। आज है जाना ना इवनिंग में, वहाँ पे आपने किसी को कहना कि आपको आईसीडी रखना दिखा है, ठीक है। अच्छा, आपने जो है ना सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो है ना वो वजाइना और वल्वा को क्लीन कर लेना है, ठीक है। क्लीन करने के बाद आपने जो है ना डालना है अपना सीम स्पेकुलम, सीम स्पेकुलम तो देखा होगा ना, सीम स्पेकुलम डाल के आपने टिनेकुलम से ये हमारे पास स्पंज होल्डर होता है उससे आपने इंटीरियर लिप को पकड़ लेना है, ठीक है। इंटीरियर लिप को होल्ड करोगे तो उससे इंसर्शन में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा, ये कर लिया, उसके बाद आपने जो आईयूसीडी पड़ी हुई है ये आईयूसीडी, हाँ ठीक है। आप जो है ना केलीज फोर्सेप्स से ना आप ये सेम स्पेकुलम है, ठीक है। इससे आपने जो है ना इसको रिट्रैक्ट करना है पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को, ठीक है। स्पंज होल्डर से आपने उसको पकड़ लेना है इंटीरियर लिप को, ठीक है। और जो आप आईयूसीडी पकड़ते हो ना उसमें आपने ना केलीज फोर्सेप्स के अंदर आपने इस तरह उसको होल्ड करना है कि इसका वन हॉरिजॉन्टल लिम्ब और वर्टिकल लिम्ब जो है ना वो इसके अंदर आ जाए। स्पंज होल्डर तो देखा होगा ना, उसकी शेप बिल्कुल स्पंज होल्डर की तरह होता है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा आगे से कर्व्ड होता है, ठीक है। जब आप इसको पकड़ोगे ना तो आपका ये जो है ना ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब भी इसका एक और वर्टिकल लिम्ब जो है ना ये उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना अंदर इसको इंसर्ट करना है। जब आप स्लोली लेके जाओगे ना जहाँ पे एंगल आता है ना बिटवीन द यूट्रस एंड सर्विक्स जो एंगल होता है जो है ना वो एंटी वर्जन मेंटेन करता है, वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फील होगी, ठीक है। उस पर आपने क्या करना है कि जो पेशेंट का एब्डोमेन होगा ना जैसे जहाँ तो ये ऐसे आपको सामने नज़र आ रहा है यूट्रस, उस पर आपने एब्डोमेन को ना यूं करके पुश करना है टुवर्ड्स दी मटर्नल फेस, ठीक है। अपना एब्डोमेन उसको ऊपर करना है, जब आप यूं करोगे तो ये एंगल जो है ये स्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद आप फर्दर लेके जाओगे, ऊपर से आपने फील करना है फंडस पे ना आपको केलीज फोर्सेप क्लियर फील होगा कि अब आप फंडस तक पहुंच गए हो, ठीक है। वहाँ पे आपने ओपन करना है केलीज को, ठीक है। ओपन करके आपने साइड वॉल ऑफ द यूट्रस से उसको बाहर लेके आना है, और जब आप साइड वॉल पे जाओगे तो आपने केलीज को बंद कर देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ओपन रह जाए और आप थ्रेड को वापस जो है ना उसके साथ ही खींच के ले आओ, ठीक है। पहले ओपन करना है, साइड पे ले जाओगे, उसके बाद क्लोज करके उसको बाहर लेके आना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना, अच्छा जो आप पोस्टमार्टम आईयूसीडी रखते हो ना उसमें थ्रेड जो है ना वो एंड पे विजिबल नहीं होना चाहिए क्योंकि यूट्रस का साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो और थ्रेड जो था ना वो अगर विजिबल होगा इसका मतलब है आपकी आईयूसीडी फंडस तक पहुंची नहीं है, ठीक है। तो आपने फिर अगेन रखनी है दोबारा से। अच्छा, आपने जो है ना उसके बाद आपने अपना जो है ना बाकी अगर आपने पहले एपिजियोटमी स्टिच नहीं की तो आप वो स्टिच कर लो, ठीक है। उसके बाद सारा वो उसको जो है ना वो अच्छी तरह से देख लो, कोई टीयर्स तो नहीं, अगर पहले आपने कर लिया तो वो ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन करनी है और अपना वो कंप्लीट करना है, डेट टाइम लिखना है। अच्छा, उसके बाद आपने फॉलो करना है 1 मंथ के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना एनुअली फॉलोअप करना है। आईयूसीडी जो होती है ना ये 10 ईयर्स के लिए होती है, पता है ना आपको। अच्छा, पेशेंट जो होता है ना जब इन्वोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है ना यूट्रस की, तो जब यूट्रस अपनी जो है ना वो नॉर्मल पोजीशन पे आता है तो जो थ्रेड होता है ना वो बाहर आ जाता है, मतलब कि यूट्रस का साइज छोटा होता है तो थ्रेड ऑटोमेटिकली, तो पेशेंट को इस बहुत कंप्लेन होती है। तो अब पेशेंट को आपने ये बताना है कि जब आपको मसला ना तो आपने आके दिखाना है, फिर आपने ना थ्रेड जो है ना 2 सेंटीमीटर तक काट देना है, मतलब 2 सेंटीमीटर विजिबल हो। और पेशेंट को काउंसिल करना है कि आफ्टर मेंसेस जो है ना उसने हर दफ़ा थ्रेड जो है ना वो चेक करना है कि इन प्लेस है, और अगर जो है ना थ्रेड जो है ना वो चेक करते रहना, अगर थ्रेड जो है ना मिसप्लेस हो जाए या जो है ना कोई इशू हो तो उसने फ़ौरन आके जो है ना वो दिखाना होता है, ठीक है। समझ आई है? यस। या आप लोगों ने आज आज